नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईनेट टीवी इंडिया। पेश आज के मुख्य समाचार। इंदौर से जाने वाली एयर इंडिया की 14 उड़ानें निरस्त। मुंबई इंदौर दिल्ली की फ्लाइट निरस्त, यात्रियों को रिफंड और रीबुकिंग का विकल्प। सरकार ने 60% उड़ानें ही संचालित करने के लिए कहा है। लगातार हो रहे घाटे के चलते फोर्ड बंद करेगी प्रोडक्शन, 4000 कर्मचारियों पर होगा असर, मौजूदा ग्राहकों को मिलेगी सर्विसेज। सरकार ने कहा वैक्सीन की दोनों डोज लेने पर कोरोना से मौत का खतरा 97% से कम। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे ने कहा कि भविष्य में मध्य प्रदेश की पहचान स्पोर्ट्स हब के रूप में होगी। हर जिले में खेल के लिए इंडोर स्टेडियम बनाने की हमारी मंशा। मध्य प्रदेश राज्य लोड डिस्पैच सेंटर जबलपुर पावर सेक्टर में साइबर क्राइसिस प्रबंधन योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने इस उपलब्धि पर पावर ट्रांसमिशन के इंजीनियर्स को बधाई दी है। कोविड-19 के दौरान नई दिल्ली से खजुराहो वायुयान सेवा बंद कर दी गई थी। केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया ने अक्टूबर माह से नई दिल्ली से खजुराहो वायुयान सेवा पुनः प्रारंभ करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा खजुराहो से मुंबई वायुयान सेवा भी शीघ्र प्रारंभ की जाएगी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियां 15 सितंबर 2021 से विद्यार्थियों की भौतिक रूप से उपस्थिति के साथ प्रारंभ होगी। किसान भाइयों और बहनों के हित में सरकार ने आज एक बड़ा निर्णय लेते हुए सभी रबी फसलों की MSP में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इससे जहां अन्नदाताओं के लिए अधिकतम लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होंगे, वहीं कई प्रकार की फसलों की बुआई के लिए भी उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। आज की खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।